गूगल चैनल पे Xiaomi ने तो सबकी लगा दी है। जैसे पिछले साल Xiaomi लेकर आया था अपना Redmi Note 5 Pro जिसने झंडे गाड़ दिए थे, अब लेकर आया है Xiaomi अपना Redmi Note 7 Pro जिसने तो आतंकी मचा दिया है। हालांकि एक चीज काफी अजीब सी है कि इस बार किसी ने भी उसकी अनबॉक्सिंग नहीं डाली है, पर Xiaomi अगर मुझे भेजे तो मैं तो फटाफट से उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि डिवाइस को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मुझे पूरी यकीन है जैसे ही मैं आपको इसके सारे स्पेक्स बताऊंगी आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाओगे इसको देखने के लिए। Xiaomi ने दो डिवाइसेस को लॉन्च किया, एक है हमारा Redmi Note 7 और दूसरा है हमारा Note 7 Pro। पहले हम बात कर लेते हैं Redmi Note 7 Pro के बारे में जिसने एक्चुअल में धमाल मचाया है। वैसे तो दूसरे वाले ने भी मचाया है लेकिन पहले हम Note 7 Pro की बात करेंगे। सबसे पहले जो Redmi Note 7 Pro में सबसे ज्यादा कमाल की बात है वो ये है कि इसका जो बैक कैमरा है उसमें हमें मिल रहा है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, लेकिन ये वो कैमरा नहीं है जो हमारा Oppo Vivo ने डाला था, Samsung GM1 सेंसर वाला। ना ना ना, ना। इसमें आपको Sony IMX586 वाला तगड़ा सेंसर मिल रहा है जो कि आधे इंच का सेंसर है। मतलब इसके अंदर जो आपको पिक्स मिलेंगी, जो डायनेमिक रेंज मिलेगी पिक्स के अंदर, वो तो अल्टीमेट होने वाली है। और नाइट फोटोग्राफी भी बहुत ही जबरदस्त मिलेगी। अगर अपर्चर की बात करें 14 मेगापिक्सल वाले के तो वो है हमारा 1.79 का अपर्चर, मतलब 250 पिक्स मिलने वाली है आपको Redmi Note 7 Pro में। उसके साथ सेल्फी कैमरा की बात करें तो हमें मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। पीछे इतना बढ़िया कैमरा है तो आगे 13 मेगापिक्सल भी हमारा बढ़िया ही पिक्स लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हाईलाइट आता है वो और प्यारा है, मतलब मन खुश हो गया उसको देख के मेरा। वो है कि इस डिवाइस के अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर। जी हाँ, ये वही प्रोसेसर है जो कि वीवो ने वीवो V15 प्रो में 29,000 रुपए में हमें दिया था, लेकिन Xiaomi ने प्राइस में तो धमाल मचा दिया है। मतलब कि यकीन करना मुश्किल है कि जो इसने प्राइस रखा है इस प्रोसेसर का और इस कैमरे का। बाकी की बातें तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि डिवाइस में और क्या क्या है, लेकिन इतनी ही बात पे हम प्राइस की बात कर लेते हैं। जो हमारा 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है Redmi Note 7 Pro का, जिसके अंदर आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप बैक में और उसके साथ स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, उसका प्राइस है सिर्फ 14,000। और उसके साथ जो इसका 6GB रैम 128GB वाला वेरियंट है उसका प्राइस है 17,000। मतलब ऐसे लग रहा था थोड़े टाइम पहले कि अगर इसके अंदर Xiaomi ये सब चीजें डालता है तो इसका प्राइस 17,000 से शुरू होगा, लेकिन 14,000 से शुरू हो रहा है। इसके साथ आपको 4000mAh की बड़ी बैटरी दी है और उसके साथ दी है क्विक चार्ज 4 फास्ट चार्जिंग भी दी है। अब साथ में डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया है, LTPS पैनल है उसके अंदर और साथ में ग्लास बॉडी में मिलता है ये डिवाइस आपको। मतलब ग्लास बॉडी तो मुझे लगता है दे देनी चाहिए सबको, लेकिन Xiaomi ने तो दे दी है। अब उसके साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लास बॉडी दी है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी दी है, बैक में भी फ्रंट में भी, ना तो प्रोटेक्शन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साथ में आपको 3.5 वाला जैक भी मिलेगा और उसके साथ आपको मिलेगा टाइप सी पोर्ट भी और उसके साथ आपको IR ब्लास्टर भी मिलेगा। साथ में इस डिवाइस के ऊपर आपको एक नैनो कोटिंग करके दी गई है जिससे कि ये डिवाइस हमारा स्प्लैश प्रूफ बन जाता है। मतलब क्या किया है Xiaomi ने, इतना कुछ डाल के दे दिया है, मैं तो मतलब खुश हो गई हूँ सुन के इस डिवाइस के बारे में। अब अगर हम इसके दूसरे वाले डिवाइस की बात करें Redmi Note 7 की बात करें तो उसके अंदर पहले तो जो हमारा डिस्प्ले है, बैटरी है, बिल्ड क्वालिटी है, मतलब ग्लास बॉडी एंड ऑल, वो सब तो सेम मिल रहा है। डिफरेंस कहाँ आता है, पहले आता है कैमरे में। आपको उसके अंदर बैक में मिलता है 12+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरे में हमारा डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद लेकिन इसमें भी एक हाइलाइटर छुपा हुआ है, एकदम मस्त सा पॉइंट छुपा हुआ है, वो ये है कि इसका जो प्रोसेसर है वो है हमारा स्नैपड्रैगन 660, लेकिन ये वो स्नैपड्रैगन 660 नहीं है जो हमें Realme 2 Pro में देखने को मिला था, जो हमें ASUS के Max Pro M2 में देखने को मिला था, या फिर जो हमें Vivo के V11 Pro में देखने को मिला था, या फिर जो हमें Oppo के K1 में देखने को मिला था। ये वो नहीं है, क्योंकि वो स्नैपड्रैगन 660 का लाइट वर्जन था और ये दे रहे हैं हमें स्नैपड्रैगन 660 का असली वर्जन जो कि बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको देगा।
और एक्चुअल में उन्होंने ये चीज दिखाई भी है। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो हमारे Xiaomi के अंदर Redmi Note 7 के अंदर Snapdragon 660 का प्रोसेसर मिल रहा है वो 2.2 GHz का प्रोसेसर है। तो मतलब कि आपको परफॉर्मेंस एक्चुअल में इन्होंने बढ़िया दी है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट छुपा है। परफॉर्मेंस तो बढ़िया दे दी, बाकी सब चीजें अच्छी दे दी, अब इसका जो प्राइस है वो और आपके होश उड़ा देगा। इसका जो हमारा 3GB रैम 32GB वाला वेरिएंट है वो है आपका 9999 रुपए का। 10,000 रुपए में आपको ये परफॉर्मेंस वाला बढ़िया ग्लास बॉडी वाला डिवाइस मिल रहा है। और अगर आपको इसका 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट चाहिए तो वो है हमारा 11,999 रुपए का। मतलब क्या किया है Xiaomi ने, तो पूरी ऐसे आतंक मचा दिया है अपना और कमाल करके दिखा दिया है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए कि यार ये आए हाथ में, हम इसको यूज करें थोड़ी देर के लिए। Xiaomi अगर भेज दे इसको तो मजा ही आ जाए। फटाफट से मैं आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर कर दूं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा डिवाइस बढ़िया लगा दोनों में से, Redmi Note 7 अच्छा लगा या Note 7 Pro अच्छा लगा, और कौन सा फीचर बढ़िया लगा इनका। याद रखिएगा कि आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।